हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये सुंदर सा कलरफुल डोरमेट बनाएंगे। मेरे पास सिलाई से बचे हुए ढेर सारे कपड़े थे, उन्हीं कपड़ों से मैंने ये डोरमेट बनाया है। देखिए, इस तरह के कपड़े मेरे पास ढेर सारे थे, तो ये सारे कपड़े एक साइज के नहीं थे, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी की चौड़ाई ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस बना लिया जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। अब जो भी कपड़ा मैंने कट किया, सभी की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। कपड़े की लंबाई अलग अलग है, जितना भी लंबा कपड़ा निकला मैंने ले लिया है। अगर कपड़ा छोटा पड़ेगा तो मैं इसमें जोड़ लगा दूंगी, और एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं इसे कटिंग कर लूंगी। इसी तरीके से 2.5 इंच चौड़ाई के मैंने सारे कपड़े काट लिए हैं। ये देखिए, कितने तरह के प्लेन और प्रिंटेड सारे कपड़े जो मेरे पास थे, सभी की कटिंग करके मैंने रख ली है। अब डोरमेट बनाएंगे। डोरमेट के बेस के लिए मैंने पुरानी पैंट से कपड़ा ले लिया है। कपड़े की चौड़ाई 16 इंच है और लंबाई 24 इंच है। साइज आप अपने मन से ले सकते हैं। अब जो 2.5 इंच वाली स्ट्रिप हमने काटी है, उसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, जो फोल्ड वाला भाग है वो बाहर की साइड रहेगा, और जो खुला भाग है वो अंदर की साइड रहेगा। किनारे रखकर बस इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसे सिल लेंगे। जितने भी तरह के आपके पास कपड़े हो, किसी भी रंग के, किसी भी पैटर्न के, सभी को आप इसमें यूज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कॉटन, कुछ सिंथेटिक रेयन सभी कपड़े थे, तो सभी का मैंने इसमें यूज कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है नीचे से कटिंग कर लेंगे, और जो स्ट्रिप बच रही है उस पर हम दूसरी स्ट्रिप जोड़ लेंगे। इसमें दूसरे कलर की स्ट्रिप को भी आप जोड़ सकते हैं। ये देखिए, दो छोटी स्ट्रिप को जोड़कर मैंने एक लंबी स्ट्रिप बना ली है। इसमें कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अब इसे भी हम बीच से फोल्ड कर लेंगे, और जो पहले कपड़े की सिलाई है उसको ढकते हुए हम दूसरे कपड़े को रखेंगे और कपड़े के ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह तीसरा कपड़ा भी हम लगाएंगे। सारी स्ट्रिप को इसी तरह से हमें स्टिच करना है। अब ये देखिए, मैंने प्रिंटेड स्ट्रिप ली है। ये डोरमेट बनाना बहुत आसान है, बस हमें सीधी सिलाई लगाते जाना है और सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। मेरे पास ब्लाउज के जो शिफॉन वाले कपड़े होते हैं, उसके भी पीस बचे हुए थे, तो उसको भी मैंने यहाँ लगा लिया है। देखिए, डोरमेट लगभग आधा बन गया है, और अभी से इतना सुंदर लग रहा है। डोरमेट को मैंने पूरा बना लिया है। किनारे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब साइड से हमें पाइपिंग लगाना है। पहले हम दो साइड पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने लगभग 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, 2.5 या 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप आपको लेनी है। और पहले इसे हम पीछे से सिलाई करेंगे। जो छोटी वाली साइड है उसमें मैं पहले पाइपिंग लगाऊंगी। पीछे से सिलाई करने के बाद स्ट्रिप को आगे करेंगे और इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, तो पाइपिंग लग जाएगी। अब जो लंबी वाली साइड है वहाँ पे हम स्ट्रिप को लगाएंगे, तो दोनों किनारों से स्ट्रिप को थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए। अब दोनों साइड से हमें स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद सिलाई कर लेंगे। दूसरे किनारे से भी हम स्ट्रिप को एक्स्ट्रा ले लेंगे, और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसे हम सीधी साइड टर्न कर लेंगे। अब इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, तो ये हमारा डोरमेट बन जाएगा। तो ये देखिए, सुंदर सा डोरमेट बन गया है। ये डोरमेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।